हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से अपने न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में अपने बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले मैंने यही चैप्टर्स के ऑलरेडी 3 से 4 सेशन लिए थे, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई, वहाँ पर आ जाके आप चेक कर सकते हो। सो आज के सेशन में अपने स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.4, करेक्ट। सो एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले, जिस तरह आगे के सब सेशन में मैंने यही बताया था किस तरह यार उसकी फॉर्मूलाज आती है, किस तरह वैल्यूज आते हैं, तो वो सब मैंने पहले आपको बताया था। तो ये वाली जो एक्सरसाइज अपने स्टार्ट करने वाले हैं उसमें भी सबसे पहले मैं आपके इसके थोड़े फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ओके। सो आपको याद रखना है कि उससे ये सारे सम्स आपके सॉल्व हो गए, ओके। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या तो शायद से ऐसा भी बन सकता है, ओके, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो फिर इस तरह भी बन सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। सो ये आपको याद रखना है। दूसरी फॉर्मूला क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके भी अपने दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड देन नेक्स्ट, ओके, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सामने चला गया, राइट। सो अभी अपने क्या करेंगे, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यहाँ पे और 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टाइप की भी फॉर्मूला आपको बन सकती है। देन नेक्स्ट और एक फॉर्मूला की बात करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको अपने ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या तो फिर ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलो अपनी जो ये एक्सरसाइज है 8.4, वो ये तीन, मतलब ये 1, 2 एंड ये 3, राइट, ये 1, ये 2 और ये 3 पे डिपेंडेड है। उसके आगे मैंने सब पार्ट आपको कन्वर्ट करके बता ही दिए, राइट, ये तीनों पर ही डिपेंडेड है, करेक्ट। तो सो अपने सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन में, चलो क्वेश्चन रीड कर लो। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब क्या है, आपको ये सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन की, सेक की और टेन की, कॉट के फॉर्म में, करेक्ट, कॉट के फॉर्म में आपको क्या करना है, उसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, राइट। सो लेट्स, सो सबसे पहले अपने को पता है कि भाई आपको आंसर चाहिए कॉट में, अपने पास फॉर्मूला लेंगे ये वाली, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, यहाँ पे ए लेंगे, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, करेक्ट। सो लेट्स, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, तो यहाँ पे अपने को करना है क्या यार, कॉट में आंसर चाहिए, तो कॉसेक को यहाँ पे रखेंगे, 1 को उठा के सामने ले जाएंगे, सो दैट्स क्या बनेगा आपका आंसर, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। सो दैट कॉसेक ए कर दो, रूट निकाल दो यहाँ से स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, क्यों अंडर रूट में आएगी, क्योंकि प्लस में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू बनेगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बट यहाँ तक का तो क्लियर हुआ, आगे की बात करेंगे, अपने को साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, सो दैट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बनी आपकी फर्स्ट वैल्यू साइन ए की। चलो उसके जैसे अपने को क्या करना है, सेक की फाइंड आउट करनी है और टेन की फाइंड आउट करनी है, सो लेट्स सेक की फाइंड आउट करेंगे। सो सेक की किस तरह करेंगे देखते हैं यहाँ पे, ये वाले पेज पर, सो अपने पास इसकी भी फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर को उठा के सामने ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बट अपने को ये पता है कि भाई टेन है ना वो कॉट का ओपोजिट है, सो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ओके, एलसीएम ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए,
यहाँ पे तो क्या आएगा आपका sec square, एका sec square है, रूट ले लो तो sec a इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपके पास cot square a प्लस वन, और नीचे क्या आएगा cot square a है तो रूट निकाल दो तो क्या आ जाएगा सिर्फ cot a। चलो भाई अपने ने दो वैल्यू तो अपने ने फाइंड आउट कर ली, तीसरी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है tan, तो tan a इज इक्वल टू वन अपॉन cot a, ये तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो आपको तीन वैल्यू यहाँ पे मिल गई, एक फर्स्ट सेकंड और आगे जो मैंने अपने ये करके बताया था ये वाली वैल्यू थर्ड वैल्यू, राइट। सो इस तरह आपका ये सम यहाँ पे सॉल्व होता है। देन नेक्स्ट सम की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू इसके जैसा ही है, बट क्वेश्चन पहले रीड कर लेते, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, मतलब आपको सारे के सारे वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, राइट साइन कॉस टेन सेक नहीं लाने का है, बट कॉसेक और कोट सबको आंसर लाना है आपको सेक के फॉर्म में। चलो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जिस तरह अपने आगे बात किया था टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू, टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सेक्वेयर ए माइनस वन, ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया था फॉर्मूला, आपको रिमाइंड करनी है सारी की सारी नाइन फॉर्मूला जो मैंने आपको बताई थी। तो टेन स्क्वेयर ए का क्या आ जाएगा टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक्वेयर ए माइनस वन। चलो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, सो लेट्स अभी अपने क्या करेंगे कॉट ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए, राइट। तो वन अपॉन वन टेन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा अंडर रूट सेक्वेयर ए माइनस वन। चलो भाई टेन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कॉट की फाइंड आउट हो गई, अभी आपको क्या करना है कॉसेक की फाइंड आउट करनी है। तो कॉसेक की किस तरह करेंगे, तो अपने पास फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। यहाँ पे मैं एरो करके बताता हूँ तो आपको पता चलेगा अभी कहाँ से कौन सा न्यू फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो दैट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन का वन रखेंगे कॉट की जगह पे अपने क्या कर देंगे यहाँ पे वन अपॉन स्क्वायर करना है तो अंडर रूट का क्या आ जाएगा भाई अंडर रूट रिमूव हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस वन कट, सो आपके पास क्या बचा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो कॉसेक स्क्वायर ए का। सो अपने को तो कॉसेक की वैल्यू चाहिए सिर्फ कॉसेक की, सो किस तरह करेंगे कॉसेक ए रूट निकाल दो, सो अंडर रूट नहीं आएगा बट नीचे जरूर आएगा क्योंकि वैल्यू किस में दी है माइनस में दी है सेक्वेयर ए माइनस वन, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इसलिए नीचे वाला वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट में आपका रहेगा। चलो भाई यहाँ पे मैंने तीन वैल्यू फाइंड आउट कर ली टेन कॉट और कॉसेक की, ओके। सो अपने को पता है कॉसेक ओपोजिट है साइन का, ओके साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक ए, तो वन अपॉन तो कॉसेक ए की जगह पे क्या आ जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक्वेयर ए माइनस वन। सो डिवाइड का डिवाइड है तो डिवाइड का डिवाइड कहाँ पे चला जाएगा न्यूमेरेटर में, तो आपको आंसर क्या मिलेगा साइन का अंडर रूट सेक्वेयर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। याद रखना ये टाइप के सम्स एग्जाम में बहुत पूछ सकते हैं। और लास्ट और आपके पास बचा है कॉस का, तो कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक ए। इस तरह फाइव के फाइव में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने ने फाइंड आउट कर लिए, टेन का किया कॉट किया कॉसेक हुआ साइन हुआ और कॉस हुआ, राइट। सो दैट नेक्स्ट सम की बात करेंगे, यहाँ पे आपको इवेल्यूट करना है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते क्वेश्चन में क्या लिखा है। फर्स्ट नंबर चलो रीड करते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो यार यहाँ पे आप जरा सा चेक करो तो 63 की वैल्यू अपने को कहीं पे गिवन नहीं है, बट 63 और 27 दोनों का अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो 90 बन रहा है, ओके। सेम नीचे की साइड में वही करूंगा डिनोमिनेटर में 17 और 73 दोनों का अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है 90 डिग्री, राइट। तो सो स्टार्ट करेंगे सम को, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73
डिग्री। चलो यहां तक का क्लियर है। सो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे साइन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, राइट। तो कॉस स्क्वायर 63 का क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बट जस्ट मैंने अभी आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नीचे भी क्या आ जाएगा 1, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट सम की बात करेंगे, इसमें ही पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, इन दोनों का प्लस करो या 90 मिल रहा है, इन दोनों का भी प्लस करो 90 मिल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट कर देंगे सम को। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ओके, इस टाइप का सम आपको दिया गया है। सबसे पहले साइन का साइन रख देंगे, 25 का 25 डिग्री। ओके, कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 का कॉस 25 रखेंगे, जबकि यहाँ पे साइन की जगह पे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। सो यहाँ पे क्या मिला, साइन 25 डिग्री सेम यहाँ पे मिलेगा, साइन 90 माइनस 65 करेंगे तो 25 डिग्री, यहाँ पे कॉस 25 डिग्री का कॉस 25 डिग्री, इन दोनों का भी माइनस करो तो कॉस 25 डिग्री मिल जाएगा। सो आंसर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्लियर। सो दैट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं फर्स्ट नंबर का सम्स, 9 sec square a माइनस 9 tan square a इज इक्वल टू। चलो तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे 9 sec square a माइनस 9 tan square a इज इक्वल टू, ये अपने को दिया गया। चलो तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 sec square a माइनस 9 tan square a, सो दोनों में से 9 को कॉमन ले लिया, sec square a माइनस tan square a, तो sec square माइनस tan square इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या मिला आपको, 9, राइट। आंसर क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा, क्लियर। देन नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर की बात करेंगे। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू करके आपको आंसर लेना है। सो चलो स्टार्ट करेंगे, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, अनदर ब्रैकेट में क्या दिया, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो चलो 1 का 1 रखेंगे, 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, और सेक की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, अनदर ब्रैकेट में 1 का 1 प्लस कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, क्लियर यहां तक का। तो चलो अभी अपने क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस आएगा, सो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, अनदर ब्रैकेट में साइन थीटा आ जाएगा ना, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, क्लियर यहाँ तक का। चलो अभी अपने क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद का स्टेप इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों में है और ये प्लस 1 यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस 1 है, सो इसको मैं अगर ए काउंटिंग कर लेता हूँ ए, और ये क्या हो जाएगा आपका बी,
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ऑल स्क्वायर माइनस वन का ऑल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किया मैंने यहाँ पे कि भाई इसको मैंने चूज करके ए ले लिया, ओके, और ये तो आपका बी है, अनदर में भी मैंने इसको ए ले लिया और इसको मैंने बी ले लिया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ऑल स्क्वायर, तो इसकी फॉर्मे लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, वन, तो वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस वन प्लस वन कट, बचा क्या आपके पास टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों दोनों क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, आंसर कितना मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ टू मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट सम की बात करेंगे, थर्ड नंबर, चूज द करेक्ट आंसर में, ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले सेक ए प्लस टेन ए दो अनदर ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू, आपको वैल्यू लानी है। चलो अपने सम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया गया आपको sec a प्लस टेन ए अनदर ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए, चलो इसकी वैल्यू अपने को लानी है। तो सबसे पहले तो क्या करना, इस टाइप के सम दिए होते हैं ना तो हर बार साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना होता है कोई भी सम को, तो यहाँ पे sec की जगह पे क्या आ जाएगा वन अपॉन कॉस ए और टेन की जगह पे साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे तो क्या है वन माइनस साइन है तो आपके पास है ही, ओके, सो दैट दोनों के नीचे कॉस ए कॉस है तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वन माइनस साइन ए। तो देखो न्यूमेरेटर में क्या आ गया वन प्लस साइन है वन माइनस साइन है, मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, सो दैट आपके पास क्या बचा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आपके पास कॉस स्क्वायर कॉस ए। तो यार अभी जस्ट मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, बट मैं अगर साइन को उठा कर सामने ले जाता हूँ तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, जिस तरह यहाँ पे मैं एक्चुअल में आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, देख लो यहाँ पे ये वाली आपके पास क्या दिया हुआ है वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ये रहा तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख दो यहाँ पे अपने कॉस स्क्वायर ए, वहाँ पे थीटा नहीं है यहाँ पे ए है तो अपने ए लिखेंगे कॉस ए, तो एक कॉस और एक कॉस कट हो जाएगा तो बचा क्या सिर्फ कॉस ए, क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट सम की बात करेंगे, चूज द करेक्ट की वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो चलो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, बट वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ओके, और वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। तो सेक का क्या आ जाएगा, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि अगर सेक टेन और कॉट में दिया हो तो आपको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर देने का, तो सेक में दिया तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कॉस में आ जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे की साइड कॉसेक स्क्वायर है तो इसका क्या आएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो डिवाइड का डिवाइड कहाँ पे चला जाएगा न्यूमेरेटर में, ओके, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन, तो आंसर क्या मिला आपको टेन स्क्वायर ए, क्लियर यहाँ तक का। चलो इसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे प्रूव दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ध्यान रखना है कि किस तरह प्रूव दैट सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और देखेंगे उसको किस तरह सॉल्व कर पाएंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा आपको प्रूव करना है, राइट। सम बहुत ईजी है, अच्छी तरह देखना तो ही आएंगे,
सबसे पहले क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, राइट। सो मैंने आपको बहुत बार बताया गया कॉस और कॉट में दिया, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, एलएचएस लेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट। कोसेक का क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो दोनों में न्यूमरेटर में क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो अभी ये दो बार ऊपर दिया, तो मैं इसका कन्वर्ट किसमें कर दूंगा, राइट, या इस तरह लिखूंगा, वन माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में भी वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का क्या आएगा, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू लानी है, तो कॉस स्क्वायर को उठा के अपने सामने ले जाएंगे, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। सो दैट ऊपर तो न्यूमरेटर वही का वही रखेंगे, करेक्ट, बट डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, हेंस इज इक्वल टू आर एच एस, क्लियर। इस तरह आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपको प्रूव करना है, क्लियर। सिर्फ किया क्या, सिर्फ आपको आगे की लास्ट की जो तीन फॉर्मूला मैंने बताई थी, उसमें से मैंने 9 फॉर्मूला में कन्वर्ट किया था, वो आपको रिमाइंड करनी है। सो नेक्स्ट सम की बात करेंगे, प्रूव दैट सेकंड। चलो क्वेश्चन रीड कर लो, सबसे पहले कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टू सेक ए, राइट। सो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस ए वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टू सेक ए, एल एच एस लिखो, एल एच एस क्या दिया हुआ है, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस की साइन वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हर बार मैंने आपको बताया कि साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे ऑलरेडी साइन और कॉस में दिया गया है, अभी क्या करेंगे, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए वन प्लस साइन ए, करेक्ट। चलो इस तरह का सम आपके पास है, तो कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे अपने चेंज करेंगे, वन प्लस टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ओके। डिनोमिनेटर की बात करेंगे, डिनोमिनेटर वही का वही रखेंगे, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, कॉस ए वन प्लस साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये तो वन ऑलरेडी आपके पास है, और ये टू साइन ए है, नीचे वही का वही, कॉस ए वन प्लस साइन ए वन प्लस वन टू प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट वन प्लस साइन ए, टू को कॉमन निकाल लो, राइट। सो क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन ए न्यूमरेटर में, डिनोमेटर में क्या है, कॉस ए वन प्लस साइन ए, तो देखो ऊपर नीचे दोनों में वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट हो गया, बचा क्या, टू अपॉन कॉस ए, बट वन अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, टू सेक ए इज इक्वल टू आर एच एस। सो लेट्स, आपने ने प्रूव कर दिया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। स्टूडेंट आज के लिए यहाँ तक का ही रखेंगे, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और इसके जो भी बाकी के 8 सम बाकी है, वो 8 सम अपने नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे।